हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं सूर्य कुमार सूर्या आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग जो नीम से 2012 का पेपर हुआ था उसके कंप्यूटर पोर्शन पे बात करने वाले हैं और मैं पूरे के पूरे पेपर को सॉल्व करके दिखाने वाला हूं। तो आप लास्ट दिन तक देखिएगा ताकि आप लोगों का पूरा कंसेप्ट जो है वो अच्छे से क्लियर हो जाए। तो चलिए, सबसे फर्स्ट जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें आप लोगों को बोला हुआ है कि एन इनपुट आउटपुट प्रोसेसर कंट्रोल एन फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन, मीन्स कि जो इनपुट आउटपुट प्रोसेसर होते हैं वो आप लोगों की इंफॉर्मेशन जो होता है वो किनके बीच में फ्लो करते हैं। तो ये मेन मेमोरी और जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होती हैं उनके बीच में इनके इंफॉर्मेशन का फ्लो किया जाता है। तो ऑप्शन बी आप लोग देखेंगे तो मेन मेमोरी और इनपुट आउटपुट डिवाइस दिया हुआ है, तो ऑप्शन बी आप लोगों का राइट हो जाएगा। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेज विल टेक हाईएस्ट टाइम इन टेकिंग द बैकअप ऑफ द डेटा फ्रॉम अ कंप्यूटर, मीन्स कि आप लोगों को कंप्यूटर से कोई बैकअप लेना है तो कौन सी ऐसी जो फोर में से डिवाइस है जो ज़्यादा टाइम लेगी। तो आप लोग देखेंगे कि इन फोर डिवाइस में सबसे जो ओल्ड मीन्स की पुरानी डिवाइस है वो है मैग्नेटिक टेप। तो मीन्स की यही जो है वो क्या करेगी, ज़्यादा टाइम लेगी, क्योंकि जो पुरानी ओल्ड टाइम कि जो भी मेमोरी होती थी वो ज्यादा कंज्यूम करती थी। तो ऑप्शन डी जो है वो क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन में बोल रहा है कि रोम जो है वो किस काइंड का मेमोरी है, मीन्स कि ये किस टाइप का मेमोरी है। तो जो रोम होता है ये प्राइमरी मेमोरी टाइप में आता है, मीन्स कि रोम जो है किस टाइप की मेमोरी में आता है, तो ये प्राइमरी मेमोरी में आता है। तो ऑप्शन ए में देखेंगे तो प्राइमरी मेमोरी दिया हुआ है, तो ऑप्शन ए आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोला है द इरर्स डैट कैन बी पॉइंटेड आउट द कंपाइलर्स आर, मीन्स कि जो कंपाइलर के द्वारा इरर फाइंड किया जाता है उसे क्या बोला जाता है, तो उसे सिंटैक्स इरर बोला जाता है। और सिंटैक्स इरर क्या होता है, तो सिंटैक्स इरर वो इरर होता है जब कोई यूजर कोड लिखते समय जो भी उसमें सिंटैक्स दिया होता है उस सिंटैक्स कि ज़्यादा मीन्स कि जो भी सिंटैक्स उसमें दिए होते हैं उस सिंटैक्स का वो पालन नहीं करता है, उसके स्थान पे दूसरा सिंटैक्स लिख देता है, तो उस इरर को सिंटैक्स इरर बोला जाता है। तो ये भी आप लोगों को क्लियर है, तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आप लोगों को एक्स की वैल्यू दी हुई है और वाई की भी वैल्यू दी हुई है और बोला है कि 8-bit सेकेंड कॉम्प्लीमेंट नंबर है और देयर प्रोडक्ट इन सेकेंड कॉम्प्लीमेंट नोटेशन इज, मीन्स कि आप लोगों को क्वेश्चन में करना क्या है पहले ये समझ लीजिए। तो ये जो x है, x का आप लोगों का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, उसी तरह y का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, और इसके बाद आप लोगों को दोनों के दोनों वैल्यू का सेकेंड प्रोडक्ट करना है, और प्रोडक्ट करने के बाद जो 8-bit में रिप्रेजेंटेशन आएगा उसी को फाइनल आंसर बताना है। तो आप लोगों को पूरा क्वेश्चन समझ में आ चुका है कि क्या करना है। तो x की वैल्यू कितनी दी हुई है, तो देखिए 5 टाइम जो है ये 1 दिया हुआ है, फिर 0 और 10 दिया हुआ है, तो x का सेकेंड कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा। तो आप लोग देखेंगे यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, फिर यहाँ पे 1 हो जाएगा, फिर ये आप लोगों के 5 टाइम्स क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ चुका है। अब उसी तरह y का हम लोग करेंगे, तो y इक्वल टू दिया है 0 0 0, फिर 0 1 0 1 0। अब इसका हम लोग सेकेंड कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे, तो ये 0 ये 1, फिर यहाँ पे 1 0, ये 1 1 1 1, ये आप लोगों की वैल्यू आ चुकी है। अब हम लोगों को दोनों का प्रोडक्ट निकालना है, तो प्रोडक्ट निकालने के लिए मैं y को पहले ऊपर में रख दे रहा हूँ, तो ये क्या है 1 1 1 1, फिर 0 1 1 0, और इसका मल्टीप्लाई किसके साथ होगा, तो 1 1 0 के साथ होगा, क्योंकि इस 0 की कोई डिमांड है ही नहीं, चाहे आप लोग 0 रख के इसकी मल्टीप्लाई करिए या नहीं करिए सेम ही बात है। तो आप लोग करेंगे तो ये 0 आप लोगों का 8 टाइम्स हो जाएगा, क्योंकि 8 जो है वो आप लोगों के 0 हैं नंबर हैं, तो 8 टाइम्स 0 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 0 1 1 0, फिर 4 टाइम्स क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अगले 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 0 1 1 0 1 1 1 1 हो जाएगा। अब सिंपली हम लोगों को इसको ऐड करना है, तो ये आप लोगों का 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, यहाँ से 1 आ जाएगा, और यहाँ से आप लोगों का 0 आ जाएगा, यहाँ से 0 आ जाएगा, और यहाँ से आप लोगों का 0 आ जाएगा,
यहाँ से वन कैरी है, तो कैरी वन क्या हो चुका है आप लोगों का, वो जीरो हो जाएगा, कैरी वन आ जाएगा और वन में ऐड होके वन हो जाएगा, और कैरी यहाँ पे वन आ चुकी है तो वन वन जीरो हो जाएगा, और ये वन ऐड करेंगे तो वन हो जाएगा, वन वन जीरो और ये वन हो चुका है, ये वन वन जीरो और कैरी जो है ये वन आ चुकी है। आप लोग ऐड करना जानते हैं तो आप लोग इसको ऐड कर सकते हैं। अब इसका देखिए जो आंसर आप लोगों के पास आया है, इसका क्या बोला है कि 8 बिट हमको सेकेंड कॉम्प्लीमेंट चाहिए, मीन्स कि इसका हम लोगों को 8 बिट ही बताना है। तो आप लोग देखिए 3 बिट यहाँ से 3 बिट, 6 बिट और यहाँ से 2 बिट, तो ये आप लोगों का नंबर क्या आया, 1100, फिर 100 आया, और ये देख लीजिए किस ऑप्शन में दिया हुआ है, तो आप लोग ऑप्शन नंबर ए में देखेंगे तो यही आंसर दिया हुआ है, तो ऑप्शन ए आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। तो ये पूरा का पूरा आप लोगों को मेथड और क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ चुका है, तो हम लोग अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि द रेंज ऑफ नंबर डैट कैन बी स्टोर्ड इन 8 बिट इफ नेगेटिव नंबर आर स्टोर्ड इन सेकेंड कॉम्प्लीमेंट फॉर्म, मीन्स कि सब सेकेंड कॉम्प्लीमेंट का आप लोगों से पूछा है कि 8 बिट में इसका रेंज क्या होगा। तो सबसे पहले आप लोगों को सेकेंड कॉम्प्लीमेंट का रेंज पता होना चाहिए, तो इसका रेंज होता है -2^(n-1) to 1^2 +2^(n-1) -1। ये हम लोगों का सेकेंड कॉम्प्लीमेंट का रेंज होता है। अब यहाँ पे n की वैल्यू मीन्स कि बिट कितना दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है, तो n के प्लेस पे हम लोग 8 रख के देख लेते हैं, तो -2^(8-1) मीन्स कि 7 हो जाएगा, और 2 यहाँ पे प्लस कितना हो जाएगा, 2^7 और -1 हो जाएगा। अब 2^7 क्या होता है, तो -128 हो जाएगा, क्योंकि 2^7 128 होता है, तो -128 ये देखिए 128 हो जाएगा, बट 1 माइनस हो जाएगा तो +127 हो जाएगा। तो ऑप्शन किस में दिया हुआ है, -128 to +127, तो बी में देखेंगे तो यही वैल्यू दी हुई है, तो ऑप्शन बी आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन क्लियर है, तो अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। आप देखिए अगला क्वेश्चन में बोला है कि जो प्राइमरी स्टोरेज होती है वो इन 4 ऑप्शन में से क्या क्या होती है। तो देखिए प्राइमरी स्टोरेज जो होता है वो सेकेंडरी मेमोरी की अपेक्षा ये स्लो तो होता नहीं है, फास्ट होता है, तो जिसमें फास्ट रहेगा वही आंसर होगा। अब यहाँ पे फास्ट दिया हुआ है, यहाँ पर फास्ट दिया हुआ है, बट यहाँ पे इन एक्सपेंसिव बोला है, तो जो प्राइमरी मेमोरी होती है वो क्या होती है, एक्सपेंसिव होती है, मीन्स कि ये जो ऑप्शन सी आप लोगों का है वो क्या हो जाएगा राइट, कि प्राइमरी स्टोरेज जो होता है वो फास्ट होता है और एक्सपेंसिव होता है किसकी अपेक्षा, कंपेयर टू सेकेंडरी मेमोरी। तो ये आप लोगों का सी ऑप्शन राइट हो चुका है, और ये आप लोगों ने फंडामेंटल कंप्यूटर का पढ़ा है, तो ये आप लोगों से सारे के सारे क्वेश्चन टैकल हो जाएंगे। यदि आप लोगों को पूरी की पूरी प्रॉपर वीडियो नहीं मिल पा रही है ये सब सारे के सारे कंप्यूटर के टॉपिक के, तो आप लोग यूट्यूब पे सिंपली सर्च करिए इंडिया एंगेज टीचर, आप लोगों को मेरा पूरा का पूरा चैनल आ जाएगा, और आप लोग चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाइए, आप लोगों को टोटल के टोटल वीडियो मिल जाएंगे मैथ के, रीजनिंग के, एप्टीट्यूड के, और जो भी आप लोगों का सिलेबस होता है कंप्यूटर प्लस रीजनिंग, तो सारे के सारे सब्जेक्ट के आप लोगों को पूरी की पूरी वीडियो मिल जाएगी, आप लोग जिसको है उसको एक्सेस कर सकते हैं। अब चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट्स इज यूज्ड टू सर्वाइव ईच इंस्ट्रक्शन इन द सीपीयू, मींस कि जो हम लोगों का सीपीयू होता है उस सीपीयू में सारे के सारे इंस्ट्रक्शन को कौन सर्वाइव करता है, मींस कि कौन कंट्रोल करता है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि जो कंट्रोल यूनिट होता है ये सारे के सारे इंस्ट्रक्शन को अरेंज करता है, मींस कि उनको सर्वाइव करता है, तो ऑप्शन ए जो है वो क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, कि कंट्रोल यूनिट जो है वो सीपीयू में इंस्ट्रक्शन को सर्वाइव करता है। तो ये भी क्लियर है, तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन आप लोगों के पास ये दिया हुआ है, और इसमें बोला है कि ये जो वैल्यू है ये इनमें से किसके इक्वल होगी। तो सबसे पहले हम लोग ऑप्शन ए को उठाते हैं और चेक करते हैं कि क्या हम लोग इसका, ये जो हमारे पास नंबर है ऑप्शन ए का 90, 50, 80,
64, ये इसका हम लोग कन्वर्जन करते हैं हेक्साडेसिमल में तो क्या डेट वैल्यू आती है, तो इसमें हम लोग डिवाइड कर देते हैं 16 से। ये देखिए मैं 16 से डिवाइड इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इसको थोड़ा सा हम लोग डेसिमल में चेंज करने जाएंगे तो थोड़ी प्रॉब्लम होगी, तो इससे अच्छा है कि हम लोग इसको क्या कर दें, जो हम लोगों के पास डेसिमल में नंबर है इसको हम लोग हेक्साडेसिमल में चेंज करें। तो हम लोग यहाँ पे देखिए डिवाइड करेंगे तो ये 1 टाइम्स जाएगा, फिर यहाँ पे आप लोगों का नंबर बच जाएगा 32 मीन्स कि 2 टाइम जाएगा, फिर आप लोगों का नंबर बच जाएगा ये फिर 1 टाइम जाएगा, फिर आप लोगों का यहाँ से फिर 9 टाइम जाएगा और फिर 2 टाइम जाएगा और यहाँ से आप लोगों का 44 माइनस होगा तो 12 आप लोगों का रिमाइंडर आ जाएगा। अब हम लोग फिर 16 से डिवाइड करेंगे तो 16 से डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम जाएगा, 7 टाइम जाएगा, 9 हो जाएगा मीन्स कि 6 टाइम जाएगा, और फिर आप लोग 2 टाइम्स ले जाएंगे तो पूरा चला जाएगा तो यहाँ से रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब हम लोग फिर 16 से डिवाइड करते हैं तो 16 से डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम जाएगा, 4 टाइम्स जाएगा, और फिर आप लोगों का यहाँ से रिमाइंडर ये वैल्यू बचेगी तो फिर 7 टाइम जाएगा और आप लोगों का रिमाइंडर जो है वो 10 बच जाएगा। अब हम लोग करते क्या है कि फिर 16 से डिवाइड करते हैं तो ये आप लोगों का कितने टाइम जाएगा, 2 टाइम जाएगा, और यहाँ पे कितना बच जाएगा रिमाइंडर, 15 बच जाएगा। तो ये जो वैल्यू है ये आप लोगों की क्या आ चुकी है, तो हम लोग नीचे से ऊपर को लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे तो ये 2 हो जाएगा, 15 को हम लोग F बोलते हैं, 10 को हम लोग A बोलते हैं, 0 को हम लोग 0 ही लिखेंगे, और जो 12 होता है इसको हम लोग C बोलते हैं। तो ये हम लोगों का हेक्साडेसिमल में रिप्रेजेंटेशन क्या आ गया, 2FA0C। तो ये देखेंगे तो इसके इक्वल आ चुका है, मींस कि ऑप्शन जो A है ये क्या हो चुका है, राइट हो चुका है। बट देखिए यहाँ पे बोथ A एंड B दिया हुआ है, तो इससे पहले हम लोग करेंगे क्या कि B को भी चेक करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले ये बाइनरी में रिप्रेजेंटेशन है तो 2 की बाइनरी चेक करिए, तो क्या ये जो 2 की बाइनरी है तो ये 2 की बाइनरी होती है। अब यहाँ पे 4 बिट्स को लेंगे तो ये F की बाइनरी होता है, फिर यहाँ पे हम लोग 4 बिट्स को लेंगे तो ये 8 और 2 कितना हो गया, 10, और 10 का मतलब क्या होता है, A होता है, और इन 4 बिट्स को लेंगे तो ये 0 की वैल्यू है, और इन 4 बिट्स को लेंगे तो ये 12 की वैल्यू है मीन्स कि C की वैल्यू है। तो ये हम लोग एक्सचेंज किए हैं तो 2FA0C आया हुआ है, तो ये आप लोगों का हेक्साडेसिमल में हो चुका है मीन्स कि इसके बराबर भी डेट वैल्यू आई हुई है। तो ऑप्शन बी भी आप लोगों का राइट आंसर है, मीन्स कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड बी की ऑप्शन सी को आप लोग मार्क करेंगे कि जो बोथ ए और बी है दोनों के दोनों आंसर जो है राइट हैं। तो ये भी क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, द ऑक्टल इक्विवेलेंट ऑफ बाइनरी नंबर डेट मीन्स कि 1 1 1 0 1 0 दिया हुआ है और बोला है कि इसका ऑक्टल इक्विवेलेंट क्या होगा। तो ऑक्टल नंबर हम लोग लेते समय करते क्या है कि 3 3 की ग्रुपिंग करते हैं, देन इसके बाद इसका हम लोग डेसिमल वैल्यू लिखते हैं। तो ये जो वैल्यू है ये 7 की वैल्यू है और ये जो वैल्यू है ये 2 की वैल्यू है, मीन्स कि यहाँ से वैल्यू कितना निकल के आ गया, तो 72 निकल के आ गया, और ऑप्शन बी में देखेंगे तो 72 दिया हुआ है, तो ऑप्शन बी आप लोगों का राइट मार्क हो जाएगा। और यहाँ जो हम लोगों का पूरा क्वेश्चन था वो एंड हो चुका है, और नेक्स्ट सेशन में मैं आप लोगों को और भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, और उसके साथ साथ मैं आप लोगों को पूरी की पूरी जो सिलेबस है नीम सेट का उसका वीडियो प्रोवाइड कराने वाला हूँ। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखे ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ वो आप लोगों तक पहले ही पहुंच जाए। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, ऑल द बेस्ट।